अस्सलामुअलैकुम। वाह 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 वाह, इधर सफाई हो रही है, खुजलाई हो रही है, और इधर जो है वो क्या कर रहे हो शाम? गुड मॉर्निंग। उठ मेरे बच्चे, ज़रा डालो ना कपों में, नाश्ता करें। अच्छा उठ ना, एक काम तो करते। अच्छा अच्छा चलो मुझे दे दो, अब नहीं डालते। अच्छा चलो मैं साथ पराठे तो बनवाऊँ। अच्छा अच्छा वो देखो, उसे मैंने कहा चाय डालो, वो यहाँ पे बैठ गए। इसे छोड़ो, ज़रा हैंड वॉश करके आओ, ज़रा किचन में उठ जाओ। और आज डॉन के पराठे साथ में चाय, और बच्चे एक एक गिलास जो है ना वो स्मूदी की ऑलरेडी पी चुके हैं। 10 बजे जागे थे और इन्होंने स्मूदी पी ली थी, अब बस मैं पराठे बना रही हूँ। शाम कप निकालो, इधर इधर जल्दी करो ज़रा। पापा के भी डालनी है आता का, यहाँ से निकाल के रखो, वो राइट साइड पे है, सारे ट्रेस रखे हुए वहाँ से निकालो। और ये बस ऑलमोस्ट बन गए हैं, ये देखिए। और देसी घी जो है वो चिल्तन प्योर का, ये वाला। जल्दी जल्दी, तुम्हारे दो बनाने हैं ना। नहीं को नहीं, अभी बनाने लगे, पास खड़े होके कराना मेरे बच्चे ज़रा। कुछ बंदों को बस ये होता है कि वो बहुत ही खुश रहते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला जो मैंने ड्रेस ओपन किया है, ये मुझे फेरी क्लॉथ्स मैंने पेज टैग कर दिया, इनकी तरफ से रिसीव हुआ है। और ये देखें, इनके पास से पार्टी वेयर जितने हैं स्टिच्ड, बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश आपको मिल जाएंगे। एम्ब्रॉयडरी आप देख लें किस तरह की है, बहुत बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं इनके पास, ये देखें। और एक अच्छी क्वालिटी, ये देखें, जिस तरह प्योर है शर्ट और नीचे ये स्लिप लगी हुई है, जिस तरीके से बहुत ही प्यारा स्टाइल, नीचे से देखें। और इसकी पूरी जो है ना, ये पेपलम है इसका नीचे, काफ़ी अच्छा स्टाइल का बना हुआ। और बैक साइड के ऊपर भी इसकी सारी एम्ब्रॉयडरी है, ये देखें। ये बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए, ड्रेस बे इंतहा खूबसूरत है। कलर जो है इसका, इससे थोड़ा डार्क है, ठीक है, बल्कि इससे भी थोड़ा डार्क है। आपको थोड़ा लाइट लग रहा है, लेकिन ये इससे भी डार्क है। और पूरी जो पिक्चर है आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है, मैं पेज टैग कर रही हूँ। अच्छा पेपलम मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इसका फैब्रिक किस तरह का है, बहुत अच्छा, और स्टिचिंग बहुत अच्छी है। और एक एक जितनी ये है ना साइड, उसकी आप देख लें, ये नीचे से ना ये डबल है, ठीक है, ये इतना खुला जो है, ये बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी। मतलब जो एग्जैक्ट आपको पिक्चर नज़र आएगी ना इसकी, उनके पास इससे भी खूबसूरत है ड्रेस। और ये देखें जनाब, दूसरे नंबर के ऊपर इन्होंने जो मुझे लहंगा सेंड किया ना, इतना ये कोई हसीन है, और कैमरे तनुखी होगी, बहुत ही प्यारा है। अभी मैंने कोई रिंग लाइट भी नहीं ऑन की हुई। अच्छा इसका बहुत ज़्यादा फ्लेयर्स, और नीचे ये देखें कैन भी इसकी लगी हुई है। मैं ना इंशाल्लाह मुकद्दस आएगी ना, वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि बैक साइड पे भी ये फुल है। आप अपनी शादी के मेहंदी के फंक्शन के लिए इसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको ना नज़दीक से इसका काम दिखा देती हूँ, ये देखें, पूरा नीट और इंतहा का खूबसूरत है। तसल्ली से आप लोग ऑर्डर करें, और दुपट्टे का भी देखें काम, और कलर कम्बिनेशन ज़रा चेक करें कि मैं इंशाल्लाह वीडियो इसमें बनाऊंगी। और कुर्ती का आगे से स्टाइल चेक करें, इनके पास आई थिंक इसमें और कलर्स भी मे बी हों। और मैंने तो आई थिंक इनको कहा था कि हाँ, मुझे मीडियम साइज़ इन्होंने सेंड किया है। कुर्ती का आप स्टाइल चेक कर लें, ये देखें, माइयों के लिए, अपनी मेहंदी के लिए, या आपने खुद किसी की भी शादी में जाना हो तो इंतहा का खूबसूरत है, ये देखें जनाब। ये खूबसूरत सा मुझे पैकेज रिसीव हुआ है होम डेकोरेशन की तरफ से, और चीज़ें सारी इतनी अच्छी पैक की हुई है ना। ये वाटर सेट है, और मैंने कहा आपको पैकिंग ओपन करते हुए भी पहले दिखा दूं कि बबल रैप से आप जो भी चीज़ ऑर्डर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से पैक की गई है, ये देखें। साथ में ना फोम भी रखी हुई थी, और साथ में ये मैंने अब मलिक साहब को कहा है मेरी हेल्प कराएं, ठीक है, फिर ओपन करके ना आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। चलिए जी, मलिक साहब आए हैं हेल्प कराने के लिए। फिर वाटर सेट है, बहुत खूबसूरत है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और रैपिंग आप चेक करें, एक एक ग्लास और एक एक जो चीज़ है ना बहुत अच्छे से रैप की गई है। ये मैं ओपन करके ना एक दफ़ा लगा के आपको दिखाती हूँ। चलें जी, मैंने इधर टी ट्रॉली पे रखा है ताकि आपको ना यहाँ से आइडिया आ जाए, क्योंकि मेरी काउंटर स्लैब जो है वो ऑलरेडी डार्क है, तो उस पर इतना नहीं था प्रोमिनेंट हो रहा। ये जना पूरा वाटर सेट है, ग्लासेस आप देख लें 6 के साथ, पैकिंग मैंने आपको इसकी दिखा दी थी, पेज मैंने जो है वो कर दिया है टैग, और बहुत बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए, और बहुत स्टाइलिश लगता है, आप किसी को सर्व भी करते हैं पार्टी में तब भी। और ये देखें, ये न्यू स्टाइल में मैंने ऑलरेडी वीडियोस में और सेलिब्रिटीज़ वगैरह के घर में यूज़ होते हुए देखा था, बहुत ही प्यारा ये लगता है। ये एक न्यू स्टाइल में है जग सर्विंग के लिए, ठीक है। और ये देखें ग्लासेस का स्टाइल,
और इसके साथ जनाब सेकंड नंबर के ऊपर इन्होंने ये मुझे बाउल सेंड किया है जो कि बहुत खूबसूरत है। ये आप देखें इसकी लिड, ऊपर का जो कवर है इसका, अभी थोड़ा सा ज़ाहिर है पैकिंग में है, थोड़ा सा वो डर्टी हुआ हुआ था, मैं इसे साफ़ करूँगी। और ये देखिए इसका स्टाइल बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। जजाक लगे, बाकी मैं पेज चेक कर रही हूँ, जब आप लोग जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके पास क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये देखें सेकेंड नंबर के ऊपर ये जो सेट है फोर, इसमें ये देखें स्पाइसेस वगैरह आप इसमें अपने डाल के रख सकते हो, और विनेगर वगैरह है ना, सिर्फ सॉसेस जो हैं और स्पाइसेस, हाँ सॉसेस वगैरह के लिए। और ये बहुत ही खूबसूरत है ब्लैक और वाइट के साथ। ये देखें, ये देखें इसकी बेस जो है ना, ये बैम्बू की है, मतलब ये वाटर वगैरह से ख़राब नहीं होता ये वाला मटेरियल। मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आपने जिस शेल्फ के ऊपर रखा हो पानी वगैरह भी जाए तो बिल्कुल ख़राब नहीं हो जाएगा। बाकी ये देख लें आप लोग, ड्रेसिंग वगैरह करने के लिए सैलड्स के ऊपर, आई थिंक में और कलर्स और डिज़ाइन भी आपको मिल जाएंगे। पैकिंग इनकी चीज़ों की बहुत अच्छी थी, वाइट होता तब भी बहुत अच्छा था, असल में मेरे पास वाइट ऑलरेडी डिनर सेट है तो ये उसके साथ हो जाएगा। इसके बाद ये 1000 मिलीलीटर का इन्होंने मुझे ऑयल डिस्पेंसर बॉटल जो है वो सेंड किया, जो आप मोस्टली वीडियोस वगैरह में और रेसिपीज़ बनाते हुए भी देखते हैं, वो आपको इनके पास ही मिल जाएगी ओपन किचन में। और वैसे भी रखा हुआ यूज़फुल भी बहुत है और ख़ूबसूरत भी बहुत लगता है। बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए, मैं बड़ा देख रही थी कि मुझे ये चीज़ कहीं से मिल जाए। अब मैं इंशाल्लाह यूज़ करूँगी और पेज में टैग कर रही हूँ, आप लोगों ने ऑर्डर करना हो तो कर सकते हैं। ऊपर से लिड भी इसकी काफ़ी मज़बूत है और यहाँ भी आप इसे बंद कर सकते हैं। अच्छा, इसे ऑयल वगैरह भी पोर करना बहुत आसान होता है। और लास्ट में इन्होंने जनाब मुझे ये जंबो वॉक सेंड किया, जो कि कढ़ाई होती है 30 सेंटीमीटर की है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और चीज़ों को पैक जितने अच्छे करके ये आपको बेचते हैं, उसके साथ साथ ना मैं इसकी आपको बेस्ट चीज़ें बताती हूँ। आपने अगर वॉक या कढ़ाई लेनी हो ना तो ये चीज़ें देखें। अच्छा, ये मेटल नहीं है, ये ना हीट इसमें अच्छे से आप लोग ना हाथ से पकड़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये वो वाला प्लास्टिक या मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, और इसका जो कवर है ना ये अच्छा खासा हैवी वाला है ग्लास, मतलब आपने दम शम लगाना हो तो इजीली हो जाएगा। कॉर्नर्स आप इसके देख लें, इसके आप लोग क्वालिटी देख लें, और इसका भी जो हैंडल या आपने जहाँ से पकड़ना है ना वो भी इसी तरह के मटेरियल से बना हुआ है, मतलब कि बहुत गर्म नहीं होगा जिसे आप बगैर नैपकिन के नहीं पकड़ सकते। अच्छा, वॉक देख लें ये अंदर से बहुत अच्छा, ये मैं कब का ढूंढ रही थी डिज़ाइन जो है, ये देखें एक तो कर्व्ड, वो बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं है कि यहाँ पे कोई खाने वाले या भूनने में कोई मसला हो, और बहुत डीप भी नहीं है, ठीक है। ये इस तरह का मीडियम सा डिज़ाइन है, और यहाँ से जनाब आप इसकी क्वालिटी चेक कर लें। बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए, और बहुत अच्छी है, ये देख लें आप लोग बैक साइड भी, ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब, डोमेस्टिक कुकवेयर की है, बहुत शुक्रिया। 30 सेंटीमीटर की है और साइज़ बिल्कुल वैसा है मेरे हैंड के साथ, बिल्कुल मीडियम, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है। अब मैं जो फ्राई वगैरह करती हूँ या कुकिंग करती हूँ ना, तो सेम इसमें। और ये इतनी खूबसूरत है कि मैं आराम से इसे जो सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, बल्कि मैं इसे करूँगी सर्विंग के लिए, मतलब कुकिंग जो है वो दूसरे में करूँगी और सर्विस में करूँगी। बहुत शुक्रिया जी सारी चीज़ें भेजने के। और इसके बाद बहुत शुक्रिया आयशा का, उसका मैं पेज टैग कर रही हूँ, जिसने मुझे ओरिफ्लेम के ये 3 शैम्पूज जो हैं सेंड किए हैं बच्चों के लिए। आपको पता है आजकल ऐसा मौसम है कि बच्चों ने डेली शैम्पू करना होता है, सुबह कॉलेज जाते थे जब तब, तो उन्हीं दिनों में मैंने इसे कहा था। देखें डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हैं और बॉयज़ के लिए बड़े बेस्ट रहते हैं ओरिफ्लेम के शैम्पू। अगर आपके पास टाइम नहीं होता है और आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है रेमेडीज़ वगैरह लगाने का, तो इस तरह के शैम्पूज ये बहुत अच्छे हैं। मैंने पहले भी मंगवाया था एक ओरिफ्लेम का शैम्पू, शाम ने यूज़ किया वो, उसने उसको जब आज पता चला कि आ गया तो मुझे अनबॉक्सिंग ही नहीं था करने देना, मम्मा मुझे दे ये ना हो गए वो जहर लेके चला जाए। मैंने कहा नहीं मेरे बच्चे, मैंने ऑर्डर ही 3 किए हैं, ताकि ये मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है, ठीक है। ब्रिलियंट ब्लैक जो है वो जहर के लिए लिया है, तो ये यूज़ होगा, लेकिन ओरिफ्लेम की आपको पता है कि चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं। पेज में टैग कर रही हूँ, ठीक है, आयशा ऑफिशियल के नाम से है। आपको ओरिफ्लेम की कोई भी चीज़ चाहिए हो, कोई भी चीज़ चाहिए हो, तो आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए। मैं बताना भूल गई, ये सिल्की और सॉफ्ट हेयर के लिए है, जिनके बहुत ज़्यादा रफ़ और डल बाल हैं, हेयर फॉल को अच्छा 3 रोकते हैं, क्योंकि ये अभी शाम का मैंने लास्ट टाइम मंगवाया था, और आई थिंक वो कोकोनट ऑयल के साथ ही कोई इसी तरह का फ्लेवर था। ये बहुत हेयर फॉल को सबसे पहले रोकते हैं, ये सिल्की और शाइनी करेगा। और ये देखें, ये है ही जो आपके ड्राई हेयर के लिए, उनको सॉफ्ट और सिल्की और शाइनी करेंगे ये। और क्वालिटी आप लोग वैसे ही देख लें इनकी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, मैं नेक्स्ट पीआर ओपन करती हूँ जी। नेक्स्ट पीआर जो है मुझे गुल क्रिएशंस 12 की तरफ से रिसीव हुआ है, जजाकला जी भेजने के लिए, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये जब पीआर अनबॉक्सिंग हो रही होती है ना, तो ये घर का हाल होता है, जो कि अभी अल्लाह जिंदगी करे उज़ैर काफ़ी समेट के गया हो। और ये हालात चेक करें ज़रा, और ये देखें जनाब,
अच्छा मीडियम साइज़ की शर्ट के साथ ना उसके ऊपर ये देखें जिस तरह वो तिल्ले का है, लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा काम है, वो अकड़ा हुआ और वो नहीं है, प्योर में है ये शर्ट। फैब्रिक आप देखें और स्टिचिंग बहुत प्यारी हुई है, स्टिचिंग का ये देखें ना आप, ये कॉर्नर्स देखें जैसे बने हुए हैं, बहुत प्यारा और नीट बना हुआ है। दुपट्टा भी साथ अच्छा खासा हैवी, वो बच्चियों वाला नहीं है कि बस गले में पट्टी डाल ली, बहुत ही प्यारा और नीट बना हुआ है। ये देखें इसका भी ये सारा बॉर्डर जो है गोल्डन बनाया गया है, जो इसके ऊपर साथ में स्लीव्स के डिज़ाइन आप देख लें। वैसे आई थिंक कि किसी मॉडल ने पहना हुआ होगा, पता नहीं। हाँ जब हम यंग थी तो अम्मी कहती हैं इन स्लीव्स को ना बेनज़ीर स्लीव्स कहते थे, ये ऊपर थोड़े ना ये चुनट से आ जाते थे, क्योंकि वो ये डिज़ाइन वो बहुत ज़्यादा पहनती थी। तो अब मुझे अभी नहीं पता, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मीडियम साइज़ इन्होंने मुझे सेंड किया, पेज में टैग कर रही हूँ। और इसके साथ जनाब ये है, ये करारा जो होता है ना बना हुआ, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये भी कमेंट करके बताना है आप लोगों ने, बहुत अच्छा। और ये आप देखें ना कि अगर वन लेग का भी मैं देखूँ ना, तो ये नहीं है कि जो नीज़ वाली जगह है वो बहुत टाइट कर दी है, उस वो भी अच्छी लूज़ में है। और उसके ऊपर भी ये देखें डिज़ाइन और फैब्रिक आप देख लें, अच्छा थोड़ा थिक वाला है, ये जो आगे वेदर है ना सी थ्रू और वो नहीं है, लेकिन इसकी भी स्टिचिंग बहुत अच्छी है, कोई चुनट नहीं, कोई कुछ, एक नीट सी लुक दे रहा है। और उसके नीचे भी ये देखें फैब्रिक अच्छा खासा लगा हुआ है, बहुत प्यारा है जी। बहुत शुक्रिया भेजने के लिए, बाकी आप कंप्लीट इसकी लुक देख भी लीजिएगा। एक दो दिन तक मैंने भी पहना तो मैं इंशाल्लाह स्टोरी में, लेकिन आप लोग पहले फॉलो कर लें, फिर आप लोगों ने पूछना पी कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, तो आप लोगों को पता होगा। और जी नेक्स्ट पीआर जो है वो मुझे रिसीव हुआ है ऑनलाइन मेकअप लैंड की तरफ से, मैं पेज टैग कर देती हूँ, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले मुझे ज्वेलरी बॉक्स सेंड किया है, ये वाला, ये 600 का है जनाब, इतना बड़ा आपको मिलेगा मिरर के साथ। अच्छा ये सारा इस तरह पैक भी हो जाता है, आप इसे ऐसे भी करके रख सकते हैं, या अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ऐसे ओपन करके भी अंदर फैब्रिक लगा हुआ है, और इजी मतलब अच्छी खासी आ जाती है इसमें ज्वेलरी। अगर मैं देखूँ ना, जिस तरह रिंग्स के लिए आप एक सेक्शन बना लें, अपने ईयर रिंग्स रख लें अपने यहाँ पर, आप इसे और ओपन या स्प्रेड भी कर सकते हो, ठीक है, और भी इसे कर सकते हो और इसे बंद भी कर सकते हो। यहाँ से देख लो इसके 4 सेक्शंस हैं और बहुत प्यारा है, यहाँ पर इसकी पिक्चर भी दी गई है, ये देखें ये है सारा। इसके बाद ये 600 का है, और इसके बाद जनाब ये सिलिकॉन वॉशिंग ग्लव्स जो हैं ये इनके 50 के हैं, ये इन्होंने मुझे एक सेट सेंड किया है, ये देखें यहाँ से एक्सफोलिएटर्स ये जो इसके हैं ये हैं, और साथ ही फ्लोर मार्कर लाइनर पैक जो है ये 600 का ने मुझे सेंड किया, जो जिसमें सारे शेड्स हैं, पेज में टैग कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए। और जी हमारा नेक्स्ट और आज का जो लास्ट पीआर है वो एके ऑर्गेनिक्स की तरफ से रिसीव हुआ है, और आप लोगों के लिए भी डिस्काउंट कोड है FK10, ठीक है। इन्होंने मुझे सबसे पहले भेजी है एके ऑर्गेनिक्स की फुल बॉडी वाइटनिंग पॉलिशिंग है ये, जो कि इस तरह की, अच्छा इसमें राइस भी हैं क्योंकि ऊपर पिक्चर दी गई है, इस तरीके से है। बाकी इसका यूज़ का जो तरीका है वो आप पेज से जाके पूछ सकते हैं, प्राइस वगैरह भी। देन वी हैव दिस एके ऑर्गेनिक्स का फुल बॉडी वाइटनिंग पॉलिशिंग लिक्विड है, ये एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के साथ है, और इसके साथ ही मुझे सेंड किया है जनाब ये मिस्ट है, ठीक है, मल्टीटास्किंग फेस मिस्ट है। और इनकी प्राइस वगैरह और ब्रांड के बारे में और चीज़ों को यूज़ कैसे करना है पेज से देख लीजिएगा। शुक्रिया जी इन स्वीट्स के लिए भी, और पेज में टैग कर रही हूँ। कोई अनबॉक्सिंग के लिए ना थोड़ी सी कभी थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती, थोड़ा म्यूज़िक लगा दो ना, ज़हर कसम थोड़ी हिम्मत आ जाती उससे।